नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल खबर। यूपी के आजमगढ़ से, जहां पर आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव में अपना मतदान ने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री तारा सिंह चौहान। इस दौरान वे अपने बूथ पर पहुंचे तो लोगों ने उनका अभिवादन किया। आपको बता दें, तारा सिंह चौहान आजमगढ़ के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा से विधायक हैं और प्रदेश सरकार में वन मंत्री भी हैं। इस दौरान उन्होंने जो कहा उसे आप भी सुने। जीत को लेकर उन्होंने किस तरह दावा किया, किस रूप में आप देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो जिस तरीके से शांति से वोट पड़ रहा है, इसके लिए मैं यहाँ के सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, सारे प्रशासनिक लोगों को, मतदाता लोगों को भी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे मतदाता से अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर देश की आज़ादी के बाद अब तक सरकारें चलती रही, इस लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए हर लोगों को इस मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और जहाँ तक हमारे कन्वीनर दिनेश लाल यादव निरहुआ का है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पहली बार इस देश में, जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार देश के आजमगढ़ में आए, तो पहली बार भोजपुरी में बोल करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पूर्वांचल के सम्मान को बढ़ाने का काम किया था। फिर दोबारा उन्होंने भोजपुरी भाषा बोलने वाले, जो हमारी माटी में पैदा हुआ हमारी भाषा बोलता है, पहली बार इस भोजपुरी बोलने वाले और कलाकार को उन्होंने उतारा है। पूरे प्रदेश की जनता और पूर्वांचल की जनता, खास करके आजमगढ़ की जनता, जिसकी यही बुनियाद रही है अपनी भोजपुरी भाषा के नाते, यहाँ बहुत बड़े कवि भी पैदा हुए जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भोजपुरी भाषा बोलने वाले, क्योंकि इस बार जिस तरीके से 5 साल में पहले तो मोदी जी का नाम था, इस बार मोदी जी का काम है, लोगों ने परखा है, देखा है कि 5 साल तक बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी करप्शन के पारदर्शी सरकार चला करके जो इसको संदेश देने का काम किया है, आजमगढ़ की और पूर्वांचल की जनता ने मन बना लिया है कि आज सारे लोग निरहुआ को, अजय दिनेश लाल यादव निरहुआ को वोट देकर के भारी मतों से जिता करके पूरा देश के प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो पूर्वांचल के लोग दूसरी भाषा बोलने वाले तरसते रहे अपने सम्मान के लिए, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भोजपुरी भाषा को सम्मान मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।